ऐसा विला। अभी हमारे नंबर्स पर रापता करें, आपको कीमत बताई जाएगी। ऐसा विला आपको किस्तों पर भी मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप मुझे देख रहे हैं बैरिया टाउन कराची के सबसे आबाद प्रीसेंट प्रीसेंट 8 में, और आज आपको एक ऐसा घर दिखाने आया हूँ जिसमें थीम बहुत अच्छा है। कमरे, लॉन, ये घरों के अमूमन अच्छे ही होते हैं, लेकिन थीम का अच्छा होना पूरे घर को चार चांद लगाता है, और इतना रोशन विला आप देखकर भी कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो आए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं कि आज हम आपको ख़ास क्या दिखाने जा रहे हैं इसमें। रीसेंट 8 272 yards, ये सामने है पार्क, मस्जिद, स्कूल, रोड 2 पर ये विला है। और कीमत कैसे मिल सकता है, कितने कमरे हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और शेयर भी करना है, ताकि लोगों को आइडिया मिल सके कि अगर वो अपना घर बनाने जा रहे हैं तो उनको किस थीम के साथ जाना है। तो आइए अंदर चलते हैं। जनाब, हम अंदर आ चुके हैं, ये है पोर्च का एरिया। अच्छा, यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त पौधों का शौकीन ये साहब है जिनका विला हम आपको विजिट करवा रहे हैं। अच्छा, एक ये पार्ट है और ये है एंट्रेंस की लॉबी, लेकिन अंदर जाने से पहले हम आपको जरा ले चलते हैं ड्राइंग रूम में। जनाब, जरा आप ड्राइंग रूम तो नज़ारा कीजिए। ये है जी, ये लाइट्स, पंखे और ये सारी चीज़ें आप देखें। अच्छा अच्छा क्या है, ये देखें टाइल का साइज, ज़बरदस्त साइज़ है। आपको थोड़ा सा हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये आप देखें, यहाँ से आप दिखा दें। अच्छा जी, बड़े ज़बरदस्त फानूस और जो डोर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। अच्छा, जो अमूमन जो पार्टीशन चल रही है आजकल, ये देखें जरा आप, ये वो पार्टीशन है, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ये जी बंद हो गया, ये जनाब ये बंद हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आपको ज़रा फिर से एक दफ़ा दिखा देते हैं, ये जी सीलिंग और जो स्टाइल है। अच्छा, अब वॉलपेपर आपको पता है कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं घरों में, तो ये वॉलपेपर आ गए। अच्छा, बेसिकली ये जो एरिया है जनाब, ये है लाउंज का, ज़बरदस्त सीलिंग। अच्छा, थीम, अब बात हो रही है थीम की, तो थीम कौन सा है, लाइट ब्राउन का थीम रखा गया है। आप फैन से देख सकते हैं, यहाँ पर आप वॉलपेपर से देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं। जो मेन एंट्रेंस है वो ये है, ये मेन एंट्रेंस है, आपको थोड़ा दिखा दें, ये मेन एंट्रेंस। और जनाब ये है बाहर मेन का एरिया, शाम का वक्त है, हवाएं तेज़ हैं। ये अगर आपने पोर्शन वाइज इसको रेंट पर चलाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये ज़बरदस्त वॉलपेपर, कमाल का वॉलपेपर है जनाब। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा वो एरिया जहाँ खातून खाना का तकरीबन सारा दिन गुजरता है, हम ज़रा अपना फ़ोन भी रख दें। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा, थोड़ा सा आपको जूम कर लिया मैंने। ये जी किचन का एरिया, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बड़े घर में किचन बड़ा होना चाहिए, तो ये किचन, मेन एंट्रेंस, ड्राइंग, बहुत ज़बरदस्त लाउंज, क्योंकि लाउंज में बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। ये सीलिंग एक दफ़ा फिर दिखा दें। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा आपको एक और व्यू दिखा देते हैं, ये आप देखें, ये व्यू देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आ रहा है ना। चलें जी, अब आ जाते हैं ज़रा एक बेडरूम की जानिब। ये है जी एक बेडरूम, बेडरूम का साइज़ अच्छा है। वॉशरूम कैसे हैं, सवाल तो ये है कि वॉशरूम कैसे हैं, तो ये लाइटें जला दी हमने। ये आ गया जी कमोड, ये आ गया जी वॉशिंग एरिया, बाथिंग एरिया और सिंक, ये सामने मिरर। अच्छा, ये बहुत अच्छी स्पेस है, दरवाजे बहुत अच्छे हैं, लॉक्स बहुत अच्छे हैं आप देखें। और ये एक और चीज़ आप देखें, ये काम है जी जनाबे वाला। अच्छा जी, रूम एक बेहतर साइज़ का है किबला, नाजरीन आप ये देखें, 10 मरला में 2 बेडरूम रखे जाते हैं। तो ज़रा दूसरे बेडरूम की जानिब हम आ रहे हैं, ये आ चुके हैं हम दूसरे बेडरूम में, जिसमें कबर्ड्स रखी गई हैं वो आप देख रहे हैं।
आपको दिखा देते हैं वो कैसी हैं जनाब। आइए जी, ये देखें जी, साइज आप देखें, आप कहेंगे कि वाकई एक बेहतर काम किया गया है। अच्छा जनाब, अब इसके वॉशरूम में एक फर्क रखा गया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देखें, इसके जो शावर एरिया है जो उसको मुकम्मल सेपरेट किया गया है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा जी, अब चूंकि हमने जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी जाते हैं, साथ ही आपको ड्राइंग और वो सारी चीजें दिखाते हुए हम चले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बड़ा जबरदस्त वॉलपेपर है जी ये वाला, थीम ग्रे है। सर हम ऊपर जा रहे हैं, बस ये देखें जनाब, वाह वाह वाह, मजा आ गया जी। थीम और एवरीथिंग विद थीम, बड़ा जबरदस्त शेंगले यूज किया गया है। अच्छा जी, तो हम पहले चले जाते हैं रूम की जानिब, और यहाँ सीलिंग अगेन ब्राउन थीम है, लाइट सा। यहाँ का वॉलपेपर आप देखें थोड़ा, ये देखें जी वॉलपेपर, इसकी ये सीलिंग है, और चूंकि इट्स अ डबल पोर्शन तो ऊपर भी प्रॉपर किचन आपको नजर आएगा। अच्छा जी, अब किचन के साथ लाउंज किचन, ये आप देखें, यहाँ विंडो हवादार और रोशन रखने के लिए। अब ऊपर ना तीन रूम्स रखे गए हैं, ये देखें एक रूम, ये नीचे को बिल्कुल ऊपर फॉलो किया गया है वॉशरूम को, ये आप देखें। और यहां से हम ऊपर आए हैं, ये किचन था, ये लाउंज है, एक रूम उधर है, वो जाते हुए आपको दिखाएंगे। और वॉलपेपर अगेन बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल जिस तरह रूम नीचे है इस तरह ही ऊपर है। ये आप देखें सीलिंग फैन, और ये है जी वॉशरूम। जनाबे वाला, तो जरा आपको एक चीज दिखा देते हैं, आप कि 10 मरले का घर मिलेगा कैसे। पहले उससे पहले आप ये देख लें कि काफी बड़ा घर होता है 10 मरले का। आपको हम लेके जा रहे हैं तीसरे बेडरूम की जानिब, ये आ गए हम तीसरे बेडरूम में। अच्छा, इस बेडरूम में सीलिंग काफी अच्छी स्टाइल की गई है, ये आप देखें, बड़ा जबरदस्त स्टाइल है, टाइल्स का साइज अच्छा है। इस वॉशरूम के टाइल्स को जरा थोड़ा सा चेंज करके थीम को बदल दिया गया, लेकिन प्लानिंग वही रखी है। एक तो इसको रोशन किया गया, ये आप देखें, ठीक है जनाब। दूसरा हम जरा कोशिश करते हैं, जरा यहां से दिखा दें, इस रूम में जो कैबिनेट्स हैं वो अंदर ही दे दी गई हैं। अच्छा जी, अब वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा हवा होती है, आपको जरा वहां ले चलते हैं टेरेस में, और दिखाते हैं क्या माहौल है। वाह जनाब, ये है जी टेरेस। अब कराची की हवाएं आपको पता है बहुत तेज हैं, ये टेरेस में हो सकता है आपको आवाज बेहतर ना आए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा विला, अभी हमारे नंबर्स पर रابطہ करें, आपको कीमत बताई जाएगी। ऐसा विला आपको किस्तों पर भी मिल सकता है, क्या कीमत होगी आपको जरूर आगाह किया जाएगा। थोड़ा टेरेस से बता दें, जबरदस्त लॉन, ये आप एक गाड़ी आसानी से बाहर, दो भी कर सकते हैं, एक गाड़ी अंदर खड़ी कर सकते हैं। ये नीचे का एरिया है, और जनाबे वाला ये है व्यू। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई खूबसूरत घर बनवाना या खरीदना, हमारे नंबर्स पर रابطہ करें, हमारी टीम, हम हाजिर होंगे आप तमाम लोगों के लिए। और चैनल और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।